अस्सलाम वालेकुम जी। फरवरी का महीना कैंसर की बीमारी और स्पेशली बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर के कैंसर की बीमारी के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि 4th of February इंटरनेशनली एज अ कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है और फरवरी का जो पूरा महीना है इसको गॉल ब्लैडर यानी पित्ता और बाइल डक्ट यानी जिगर की नाली इसके कैंसर की अवेयरनेस के लिए पूरी दुनिया में लोग डिफरेंट कैंपेन्स करते हैं। तो मैं आपको गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट के कैंसर से हवाले से पहले भी अपनी डिफरेंट वीडियोस में एजुकेट कर चुका हूँ। गॉल ब्लैडर का कैंसर या पित्ते का कैंसर एक इंतहाई ख़तरनाक कैंसर है। अनफॉर्चुनेटली ये लेट स्टेज पर डायग्नोज होता है और तकरीबन 90% लोगों में जब डायग्नोसिस होता है तो ये कैंसर फैल चुका होता है, जिसको हम स्टेज 4 कैंसर कहते हैं, और उसके क्योर होने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं। सिर्फ 10% वो लोग होते हैं जिनका गॉल ब्लैडर या पित्ते का कैंसर ऐसी स्टेज पर डायग्नोज होता है कि उसके लिए सर्जरी या कीमोथेरेपी करके इस कैंसर को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। लेकिन ये आपके जिस्म में होने वाले तमाम कैंसर्स में से वन ऑफ द डेडलीस्ट कैंसर है। जो बाइल डक्ट कैंसर है यानी जिगर की जो नालियां हैं उनमें कैंसर जो होता है वो ज़रा रिलेटिवली लेस एग्रेसिव होता है, और उसकी मेन वजह ये है कि चूंकि बाइल डक्ट बहुत छोटे साइज की होती है और बड़ी अर्ली स्टेज के ऊपर जब ट्यूमर होता है तो ये जिगर की नाली ट्यूमर की वजह से बंद हो जाती है और इसके सिम्टम्स अर्ली स्टेज के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और ये डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है। तो इन कैंसर्स के सिम्टम्स जनरली पीला यरकान होना, ख़ारिश होना, पहाने का या पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाना, वज़न कम हो जाना, भूख कम हो जाना और कभी कभार पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द का होना, ये वो सिम्टम्स हैं। और जब आप इन सिम्टम्स को लेते हुए इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो जनरली शुरू में अर्ली स्टेज के ऊपर अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं तो उनसे अंदाजा होता है कि मरीज़ को जॉन्डस हुआ है। फिर आप सीटी स्कैन्स करते हैं तो उसमें आप इन ट्यूमर्स को देख सकते हैं और फिर आप इनके लिए ऑपरेशन या सर्जरी करवा के इसका इलाज कर सकते हैं। बाइल डक्ट का कैंसर अगर अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोस हो जाए तो इसमें क्योर के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोज किया जाए। तो आप कि फैमिली फ्रेंड्स के सर्कल में जिसको भी पीला यरकान हो, भूख कम हो रही हो, वज़न कम हो रहा हो तो उन लोगों को फौरी तौर पे अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और ब्लड के टेस्ट करवाने चाहिए और अपने करीब तरीन जो जिगर का स्पेशलिस्ट है उसको दिखा के डायग्नोसिस का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। साथ साथ ये बताना चलूँ कि जिन लोगों के पित्ते में पथरियाँ होती हैं वो पथरियाँ अगर बड़ा लंबा अरसा तक यानी ईयर्स तक पड़ी रहें तो उससे भी गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जब ये कैंसर डायग्नोस होते हैं तो इनकी स्टेजिंग की जाती है जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ब्लड टेस्ट और कुछ ट्यूमर मार्कर्स किए जाते हैं। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट कैंसर दोनों के लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट सर्जरी है यानी ऑपरेशन है कि जिस हिस्से में कैंसर है वो वाला हिस्सा और उसके साथ कुछ लिवर का हिस्सा भी रिमूव करके इस कैंसर को कम्प्लीटली रिमूव किया जा सकता है, और उसके बाद फिर कीमोथेरेपी एक एडिशनल ट्रीटमेंट होती है। बहुत सारा बड़ा ग्रुप इन पेशेंट्स का बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर के कैंसर्स का ऐसा होता है जिनका अनफॉर्चुनेटली कैंसर बहुत लेट स्टेज पर डायग्नोज होता है और सर्जरी वाली जो स्टेज है क्योर वाली स्टेज गुजर चुकी होती है, लेकिन इन मरीजों को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और इस ट्रीटमेंट का पर्पज़ ये होता है कि इनके सर्वाइवल को कैंसर की ट्रीटमेंट करके स्लो किया जा सके और सर्वाइवल प्रोलॉन्ग की जा सके और इनके जो सिम्टम्स हैं वो बेहतर हों ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर से बेहतर रह सके। तो उसके लिए अमूमन चूँकि सबसे बड़ी कंप्लेन जो है वो जॉन्डस होती है तो उसके लिए एंडोस्कोपी करके बाइल डक्ट में स्टेंट डाला जा सकता है। जब जॉन्डस ठीक हो जाता है, पेशेंट की ख़ारिश कम हो जाती है तो उसके बाद फिर इन लोगों को कीमोथेरेपी दी जा सकती है जिससे सर्वाइवल प्रोलॉन्ग हो सकती है। इन दोनों कैंसर्स के लिए कोई मेजर रिस्क फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम गॉल स्टोन्स या पित्ते की पथरियों के अलावा नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं या जो मोटे लोग होते हैं जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है उनमें भी इन कैंसर्स का तनासुब ज़्यादा होता है।
तो आप लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। अगर पीला यरकान, भूख का कम होना या पेशाब बड़े पखाने का रंग डार्क होना शुरू हो जाए तो ये वो अलर्ट्स हैं जिससे आपको इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए ताकि ये कैंसर अर्ली स्टेज पर डायग्नोज हो और उनका इलाज हो सके। इस पूरे महीने में हम आपको ये मैसेज बार बार देंगे ताकि आप लोग कैंसर की बीमारी के बारे में सेंसिटाइज हों और ये पैगाम आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों तक भी पहुंचा सकें। मकसद इस कैंपेन का ये है कि कैंसर की बीमारी अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को हो जाए उसको डायग्नोज अर्ली स्टेज पर कर लिया जाए। अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस होगा तो इलाज में कामयाबी की उम्मीद है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस और आई होप कि आपकी कैंसर के बारे में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप ये मैसेज आगे बहुत से लोगों तक पहुँचाएंगे। अल्लाह हाफिज़।